नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल धनबाद रिकॉर्ड होल्डर में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं अभी Google पर सर्च कर रहा हूँ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो दोस्तों, बहुत सारे रिकॉर्ड होल्डर हैं और जो रिकॉर्ड होल्डर बनना चाहते हैं, जिसका फर्स्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड मतलब अप्लाई करना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन, तो आप सबका मन में एक शंका रहता है दोस्तों कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हम अप्लाई कैसे करें, रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताऊंगा। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं दोस्तों कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का 5 लाख लगता है, 3 लाख लगता है, 2 लाख लगता है। तो दोस्तों, एक गलत बात है, इसमें अमाउंट नहीं, आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे इसमें, बट इसमें समय ज़्यादा लगता है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें आपको जैसे आप ओल्ड टाइटल मतलब देखिए, टाइटल दो तरह का आप अप्लाई कर सकते हैं, ओल्ड टाइटल और न्यू टाइटल। ओल्ड टाइटल मतलब कहने का मतलब है दोस्तों कि मैंने अपना रिकॉर्ड बनाया मैक्सिमम रीच फिल्म। यदि पहले से कोई रिकॉर्ड बना होगा तो डायरेक्ट आपको अप्लाई करना होगा, रजिस्ट्रेशन फीस आपको नहीं लगेगा, जीरो कॉस्ट, ठीक है दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट। और यदि आपका रिकॉर्ड टाइटल सर्च करने पर नहीं मिलता है तो आपको $5 लगेगा दोस्तों, $5 मतलब आप कह सकते हैं कि मोटा मोटी आपको ₹400 लगेगा या कुछ से कम लगेगा दोस्तों। तो आपका शंका मैंने दूर कर दिया दोस्तों। ओल्ड टाइटल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन, उसी में आपका सर्टिफिकेट भी आएगा, ₹1 नहीं लिया जाएगा। और न्यू टाइटल में आपको $5 लगेगा दोस्तों, जो कि 400 और 400 से कम लगेगा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में 5 लाख लगता है, 3 लाख लगता है, 2 लाख, तो ऐसे लोगों से आप दूर नहीं रहिए, बहुत अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, अब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए आपको अप्लाई कैसे करना हो, तो दोस्तों अप्लाई कैसे करना हो इस पे वीडियो में एक वीडियो लाऊंगा दोस्तों, अभी आज अब मैं आपको अप्लाई करने नहीं बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों, आपको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को ऑफिशियल साइट पे आना है, और साइट पे आने के बाद आपको अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने का मैं एक वीडियो बनाऊंगा दोस्तों अच्छे से, अभी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं दोस्तों। तो अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, जो ओल्ड टाइटल है और न्यू टाइटल, तो ओल्ड टाइटल वाला आप सर्च करेंगे और न्यू टाइटल वाला डायरेक्ट आप अप्लाई करेंगे, $5 लगेगा दोस्तों। तो यहाँ पे आप नीचे जाना होगा, नीचे में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्लाई टू सेट और ब्रेक रिकॉर्ड, आप अप्लाई करेंगे या आप रिकॉर्ड तोड़ेंगे, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट कीजिएगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अप्लाई नाउ पे देख रहे हैं टिक रेड कलर का, आप यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा दोस्तों। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड आएगा आपके मेल पे, वहाँ से आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड देना है, आपका हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है दोस्तों, रजिस्ट्रेशन के लिए मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, क्रिएट अकाउंट नाउ, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको बेसिक डिटेल फिल करना होगा दोस्तों, यहाँ पे अपना लास्ट नाम देंगे, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ, कंट्री स्टेट, ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, यहाँ पे अपना क्रिएट पासवर्ड करेंगे। उसके बाद देन आप यहाँ पे आप किस पे आपका जो मेल आएगा गिनीज का OTP किस पे आएगा, आप ईमेल आईडी पे, पोस्ट पे, टेलीफोन, टेस्ट में, तो आप ईमेल कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करेंगे और क्रिएट अकाउंट पे करेंगे। तो दोस्तों, आप जो भी मैंने आपको प्रोसेस बताया है आप उस तरह करेंगे, आपको मेल पे आएगा। मेल पे आने के बाद आपको अब लॉगिन आईडी करना होगा, लॉगिन, तो यहाँ पे आप लॉगिन पे जाएंगे। लॉगिन पे जाने के बाद यहाँ पे आप ईमेल लॉगिन करेंगे, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए ईमेल आईडी या पासवर्ड देंगे, फिर यहाँ रिमेंबर मी, यहाँ पे आप रिमेंबर करने के लिए यहाँ पे टिक करेंगे बॉक्स पे, फिर गो पे करेंगे, ठीक। उसके बाद अब आपको अप्लाई करना होगा, तो अप्लाई करने के लिए मैं बताऊंगा दोस्तों, उसके लिए वीडियो में अलग से लाऊंगा दोस्तों, क्योंकि उसमें बहुत अच्छा वीडियो आएगा। तो अभी मैं आपको सिर्फ लॉगिन रजिस्ट्रेशन के लिए बताएँ दोस्तों। अब दोस्तों, जो न्यू रिकॉर्ड होल्डर है, जिसका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो फर्स्ट बार अप्लाई कर रहा है, जिसका रिकॉर्ड टाइटल नहीं मिल रहा, मतलब आपका मान ली मेरा रिकॉर्ड टाइटल नहीं है, तो $5 लगेगा, तो $5 आप अप्लाई करेंगे। और यदि आपका पहले से रिकॉर्ड बना हुआ है, देखिए लॉगिन आईडी करके उसके बाद आप अप्लाई पर करेंगे, तो आपको पूरा बेसिक डिटेल मांगेगा, आप फिल कर देंगे, इस पर एक वीडियो आएगा,
अब आपका रिकॉर्ड टाइटल नहीं मिलता सर्च करने पे, यदि मिलता है, नहीं मिलेगा तो आप अप्लाई नाउ पे न्यू पे क्लिक करेंगे, और यदि मिल जाता है तो डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं, वो इजी वे में हो जाएगा दोस्तों। आप जो अप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड एप्लीकेशन अप्लाई कीजिएगा, इसमें 3 से 4 महीने लगेगा जिसमें आपका रिकॉर्ड अप्रूव होगा, जिसमें आपको $5 होगा, जो न्यू रिकॉर्ड होल्डर है मतलब जो न्यू अप्लाई करेंगे उसको $5, और जो ओल्ड है जिससे मान लीजिए कि आपका पहले से रिकॉर्ड बना है, कोई रिकॉर्ड बना है जिसको आप डायरेक्ट अप्लाई करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों $5। हाउ टू सेट ब्रेक ए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइटल, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि आपका पहले से कोई रिकॉर्ड है, ठीक है दोस्तों, यदि आपका पहले से कोई रिकॉर्ड बना हुआ है तो आप उसको तोड़ना चाहते हैं, तो आप सर्च करेंगे कि मेरा रिकॉर्ड है कि नहीं, तो आपको करना क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आप सर्च पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद देखिए आप सर्च करेंगे, यहाँ पे अपना रिकॉर्ड टाइटल सर्च करेंगे, जैसे कि मैं अपना सर्च करता हूँ मैक्सिमम रिच फिलिप, ठीक है, मैक्सिमम रिच फिलिप। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे मेरा अभी मैक्सिमम रिच फिलिप पे अभी रिकॉर्ड नहीं है दोस्तों, बट अपना कैटेगरी चूज कर लेंगे शायद आपका मिल जाए। तो आपका मिल जाने के बाद आपको करना क्या होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे एनी टाइम, फर्स्ट टाइम, जो भी आप देख सकते हैं, 6 मंथ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों मोस्ट एक्सपेंसिव रिच वॉच सोल्ड एड फंक्शन। तो यहाँ पे आप व्यू दिस रिकॉर्ड, अपना रिकॉर्ड से रिलेटेड देख लीजिएगा, आपका जो भी रिकॉर्ड है उससे मिलता जुलता यदि मिलता है तो डायरेक्ट आप अप्लाई कर दीजिएगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको 1 रुपया तक नहीं लगेगा दोस्तों, क्योंकि आप ओल्ड टाइटल में अप्लाई कर रहे हैं, और न्यू टाइटल में अप्लाई करेंगे, आपका फर्स्ट रिकॉर्ड बनाएंगे उसमें न्यू टाइटल में आपसे पहले से कोई नहीं बनाया है, तो आपको $5 करना होगा दोस्तों, जो कि आपको डेबिट कार्ड से करना होगा या तो आप पेपाल से कर सकते हैं। यदि आपको कुछ प्रॉब्लम होता है मोबाइल से करने में तो आप नज़दीकी साइबर से जा सकते हैं, वहाँ ईजी वे में हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपको व्यू दिस रिकॉर्ड पर देखेंगे, आप इस रिकॉर्ड को देखेंगे कौन सा रिकॉर्ड है, आपका वीडियो से रिलेटेड है तो देख सकते हैं, थोड़ा सा वेट करना होगा दोस्तों ये अभी तो नहीं आ रहा, तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में जल्दी से जल्दी, जैसे ये नीचे दिखा देते हैं, द हाईएस्ट फॉरवर्ड फ्लिप टीम पोलिन स्लैम डंक, व्यू द रिकॉर्ड, व्यू द रिकॉर्ड पे क्लिक करना होगा। दोस्तों देख सकते हैं व्यू द, यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्लाई नाउ, आपका रिकॉर्ड रिलेटेड रहेगा तो आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको बेसिक डिटेल फिल किया जाएगा, आपको बेसिक डिटेल फिल करेंगे, ये उसी के लिए है दोस्तों जिसका रिकॉर्ड पहले से बना है, आपसे पहले आपका मिलता जुलता रिकॉर्ड है उसी के लिए, ओल्ड टाइटल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, और न्यू टाइटल के लिए मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, और ओल्ड टाइटल का भी लाऊंगा, Part 1 और Part 2 दोनों लाऊंगा दोस्तों। और एक बात दोस्तों, और एक बात कहना चाहता हूँ कि कोई भी यहाँ पर लॉगिन आईडी देना होगा उसके बाद होगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आप लोगों को, कोई भी इंसान बोले कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का 3 लाख लगेगा, 2 लाख लगेगा, 1 लाख लगेगा, तो उससे लोगों से आपको बचना है, समय लगे अपने आप से खुद से अप्लाई कीजिए, 400 रुपया में हो जाएगा, फालतू फालतू लोगों पे विश्वास मत कीजिएगा, हो जाएगा आपका रिकॉर्ड, थोड़ा टाइम लगेगा, बस आप गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मिलते हैं इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।